नमस्कार दोस्तों, जम्मू पुंछ हाईवे पर सांग्योर क्षेत्र में गुरुवार को सैन्य के वाहन पर आतंकी हमले में 5 जवान बलिदान हुए थे, जिनमें से 4 पंजाब के रहने वाले थे। इनमें से मोगा के कुलवंत सिंह के पिता बलदेव सिंह 29 वर्ष पहले कारगिल युद्ध के दौरान बलिदान हुए थे। भटिंडा के 23 वर्षीय गुरु सेवक सिंह ने 20 दिन पहले छोटी बहन से वादा किया था कि उसके हाथ पीले करने के बाद अपनी शादी करूंगा। लॉन्स नायक कुलवंत सिंह उस समय सिर्फ 3 वर्ष के थे जब उनका पिता बलदेव सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपना बलिदान दिया। कुलवंत की 3 वर्ष पहले हरदीप कौर से शादी हुई थी। उनकी 2 साल की एक बेटी और 3 महीने का एक बेटा भी है। कुलवंत सिंह 1 अप्रैल को घर आए थे। बटाला गुरुदासपुर के गाँव तालवंडी भरत के 25 वर्षीय नायक हरिकिशन सिंह के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर हैं। वह 14 सिख रेजिमेंट से 1988 में सेवानियुक्त हुए थे। बेटे के बलिदान पर उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है, उनके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी है। हरिकृष्ण सिंह 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी 2 वर्ष की बेटी सुखप्रीत है। उनकी पत्नी दलजीत कौर गर्भवती है। पत्नी ने कहा कि पति का सपना बेटी सुखप्रीत कौर को अच्छी शिक्षा देकर IPS बनाने का था। वह बेटी को अच्छी शिक्षा दे पाती इससे पहले उनका सपना टूट गया। भटिंडा के बागा गांव की 23 वर्षीय बेटी गुरुसेवक सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वह एक बहन की शादी कर चुके थे और दूसरी की तैयारी कर रहे थे। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर घर का गुजारा करते हैं। 20 दिन पहले वह छुट्टी लेकर गाँव आए थे। लुधियाना के चकनोया काला के मनदीप सिंह 16 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता गांव के सरपंच रह चुके हैं। माँ बलविंदर कौर और कपकपती आवाज में बोली कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। मनदीप सिंह के घर में पत्नी जगदीप कौर, 12 साल की बेटी, 9 साल का बेटा और एक बुजुर्ग माँ और 39 वर्षीय मनदीप फरवरी में छुट्टी घर आए थे। तो दोस्तों, देश इन वीर बलिदानियों का बलिदान कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक, 1 शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।